उत्तराखंड सरकार की नेतृत्व में, पुष्कर सिंह धामी जी की नेतृत्व में, धन सिंह रावत जी की विभाग ने दो तीन महत्वपूर्ण काम किया। मैं सबसे पहले बधाई देता हूं, देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को क्रियान्वयन करने में पिछले 3 साल में मैं निस्संदेह कहूं कोई प्रदेश बराबर ध्यान रखता है और प्रधानमंत्री मोदी जी की विजन को जमीन पे उतारने का काम करता है। ये सबसे पहला प्रांत है उत्तराखंड। मैं मुख्यमंत्री जी को और शिक्षा मंत्री जी को, शिक्षा विभाग को आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। मित्रों उसमें हाँ भाई, तो धन सिंह जी और मुख्यमंत्री जी देख लिया, आप बार बार डिस्टर्ब मत करो, बैठो, शिक्षा में थोड़ा जुड़े रहो। मित्रों आज जो विद्या समीक्षा केंद्र की कल्पना की गई, जब माननीय मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे तब उन्होंने स्कूल बच्चों के ऊपर बहुत ध्यान दिया। उस समय में उन्होंने विश्व बैंक की सहायता से, उन दिनों में भारत सरकार उनको मदद नहीं किया था, उन्होंने विश्व बैंक को मदद करने के लिए आगे आया, उनकी सहायता से विद्या समीक्षा केंद्र की कल्पना की और उसको क्रियान्वयन किया। लेकिन ये एनईपी की पहले की बात है, 2020 में एनईपी लगा और एनईपी को इंप्लीमेंट करने के लिए मोदी जी ने आपके लिए बजटीय प्रबंधन भी किए, जिसके बारे में अभी उल्लेख किया गया। रविंद्रनाथ जी ने कहा 5 करोड़ प्रारंभ में दिया गया है, ये अंतिम नहीं है, ये प्रारंभ ही है। आज मैं एनईपी के उपरांत प्रधानमंत्री मोदी जी की गुजरात मॉडल को इंप्लीमेंट करने का कोई पहला राज्य है विद्या समीक्षा केंद्र में तो उत्तराखंड है। आज उसमें 5000 स्कूल जुड़े हैं। आगे चल के मैंने उनको कहा है कि मैं अक्टूबर नवंबर में फिर आ जाऊंगा, अक्टूबर में आऊंगा रविंद्रनाथ जी, तब मेरा अपेक्षा रहेगा आपकी विद्या समीक्षा केंद्र में हम प्रदेश की 22000 स्कूलों को डाटा के साथ जुड़े हुए दिखना चाहेंगे और राज्य की जो 23.5 लाख स्कूली बच्चे हैं क्लास 1 से लेकर 12वीं तक, ये सारे बच्चे उसमें से जुड़े रहेंगे। लगभग 1,22,000 से ज्यादा शिक्षक है वो भी जुड़े रहेंगे, उनकी डाटा रहेगा। मित्रों विद्या समीक्षा केंद्र में 2-3 बात मैं आपको उल्लेख करता हूं, प्रतिदिन बच्चों की अटेंडेंस उसमें पता चलेगा, शिक्षकों की अटेंडेंस पता चलेगा, दीक्षा टीवी हो या इंटरनेट के माध्यम से पढ़ाई की व्यवस्था विद्या समीक्षा केंद्र में रहेगा। राज्य की सारे डायट, शिक्षकों की कैपेसिटी बनाने के लिए जो व्यवस्था है वो उसमें से जुड़े रहेंगे। एक प्रकार से स्कूली शिक्षा की 360 डिग्री की जानकारी, 100% जानकारी उस पोर्टल में रहेगा, जिसके कारण मुख्यमंत्री रोज सुबह उठ के, आज मेरे राज्य में बच्चे कितने स्कूल आए हैं, कितने शिक्षक पढ़ाने आए हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, परीक्षा में असेसमेंट में क्या उत्तर हो रहा है, माने आगे चल के वो सुदूर नानक मत्ता की एक सीमावर्ती इलाके की स्कूल में 6वीं कक्षा की विद्यार्थी मैथमेटिक्स में कैसे पढ़ाई किए हैं उसकी जानकारी उस समीक्षा केंद्र में मिलेगा। दोन स्कूल की भी पढ़ाई उसमें मिलेगा, उत्तरकाशी की स्कूल की पढ़ाई उसमें मिलेगा, हरिद्वार रुड़की नैनीताल उद्धम सिंह नगर ये सब इलाके की स्कूल की जानकारी मिलेगा। ऐसे एक आधुनिक तंत्र उत्तराखंड ने अपनी शिक्षा व्यवस्था में जोड़ा, मैं आपको बधाई देता हूं। दूसरे महत्वपूर्ण काम आज किया गया, एनईपी को राष्ट्रीय शिक्षा नीति सिर्फ एक कागज की पुलिंदा नहीं है,